मंत्री की इस इलाके में जो उस समय की जरूरत है या उस समय की जरूरत थी उनको पूरा करें, अच्छे स्कूल, अस्पताल और तमाम नाले खाले जिस तरह का भी था, और खास तौर पे जो बड़े प्रोजेक्ट थे हमारे डबवाली से लेकर के हिसार तक का नेशनल हाईवे, गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट, ये तमाम चीजें करवाने की कोशिश करी। 45 से 50 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उस समय आए, और मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ उन प्रोजेक्टों को पूरा करवाया, और आज हम सब लोग हर रोज उन प्रोजेक्टों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका फायदा लेते हैं, अपने जीवन को संवारने में, सुधारने में, हमारे जीवन को सरल बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। पिछले 10 वर्ष आपने लगातार देखे कि जहां पहले छोटी से छोटी जरूरतों के लिए आम जनता को संघर्ष करना पड़ता था, चाहे वो शौचालय का मामला हो, बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन आज देश के अंदर 10 करोड़ शौचालय केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मिलकर के बनाए ताकि हम स्वस्थ और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, चाहे माताएं हो, बहनें हो, चाहे हमारे और गांव के लोग हो। इसी तरीके से 4 करोड़ गरीबों को छत देने का काम किया, 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्षों में मुफ्त राशन दे करके और उनकी भलाई के लिए, क्योंकि किसान मजदूर खेती और मजदूर अन्न तो पैदा करता है, लेकिन पहले क्या होता था वो अन्न सड़ जाता था लेकिन किसी के पेट में नहीं जाता था। मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम अन्न ज्यादा भी पैदा करेंगे और हर भारतवासी को जहां तक भी कोशिश होगी मुफ्त में भी राशन देंगे, और इसी तरीके से नल, तमाम तरह की सुविधाएं, स्कीम, गांव में आज हम जाते हैं तो कई कई करोड़ रुपए के कार्य उसमें चलते हैं, गलियां नालियां बनती हुई, जोड़ खोदते हुए, गांव की नई नई बिल्डिंगें, पूरा जो है चौक चौपाल, ये कहां हम सोच सकते थे, पहले जब आते थे तो मिट्टी उड़ती थी, और आज आप देखिए कि किस तरीके से शहरों वाली जो सुविधाएं हैं वो गांव में लाने का संकल्प हुआ। ये एक बड़ा परिवर्तन हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है। साथ साथ जो बड़े इस देश के मुद्दे थे, 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 जो कश्मीर को भारत से अलग करती थी, आतंकवाद और अलगाववाद लेके आती थी, वहां पर जो हमारा संविधान था, हमारे कानून थे, वो भी लागू नहीं होते थे, आरक्षण जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड समाज को, वो कभी लागू नहीं हुआ, योजनाएं आई वो लागू नहीं हुई, आज वो कश्मीर कैसे बदला है वो आप देख सकते हैं। अभी हमारे भाई बता रहे थे यहाँ पर कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना पूरे दुनिया के अंदर बढ़ती हुई, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का जिस तरीके से नेतृत्व देना, ये सारी बदलते भारत की मैं समझता हूँ कि तस्वीर है। साथ साथ महिलाओं के लिए आने वाले समय में लोकसभा विधानसभाओं के अंदर रिजर्वेशन हो, आरक्षण हो, दूसरे हमारे मुल्क हैं जो पड़ोसी देश थे, भारतीय मूल के लोगों के साथ अगर गलत करते हैं तो हमारे साथियों को वापस ला करके नया नागरिकता कानून बनाया, हिंदू भाई, सिख भाई और किसी भी धर्म के हों, तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं। करतारपुर कॉरिडोर साहब बनाया बाबा नानक की धरती को भारत से जोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ जो देश के अंदर आज एक एक प्रदेश के अंदर हम देखते हैं लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, छोटे छोटे हाईवे हैं, 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन, उसके साथ साथ रेलवे के प्रोजेक्ट, उसके साथ एयरपोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी बंदरगाहें बनाने के लिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के पास एक लंबा समुद्री किनारा है, और ये इसलिए कि हम पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर सके, क्योंकि जब हमारे पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी दुनिया के लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, तभी हम 140 करोड़ लोगों के अनुरूप जो रोजगार के साधन है वो सृजन कर पाएंगे, उनको एक सही दिशा दे पाएंगे,
और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने काम करके दिखाए पिछले 10 वर्षों में। अब हमारा लक्ष्य क्या है, हम दुनिया की अगले 5 वर्ष में भारतवर्ष को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। जब हमारे पास ताकत होगी, पैसा होगा, तो हम अपने इन लोगों के लिए कोई भी योजनाएं कर सकते हैं। किसान बीमा, फसल योजना, आप उसका देख रहे हैं। अपने इस संसदीय क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में आया। जो लोग अभी घूम रहे हैं, मेरे को अभी दूड़ाराम जी किसी ने बताया कि जो कैंडिडेट है और दूसरे उनके साथ, जैसे दूड़ाराम जी के साथ भाई हमारा गोदारा साहब बैठे हैं, मैनपाल जी, 42 करोड़ रुपए उसके खाते में, 42 करोड़ कह रहा हूँ, 42 लाख रुपए उसके खाते में अभी आए। 42 लाख एक एक आदमी के, आप समझ सकते हैं कि फसल बीमा योजना का किस तरीके से लाभ पहुंचा। किसान सम्मान निधि मिली, तो अब आने वाले समय में और ताकत हम कैसे मुल्क की बढ़ाएं, इस भारत को कैसे विकसित करें, ताकि ये जो पीढ़ी है, जो बच्चे बैठे हैं, उनको उस भारत में, जिस भारत में हम रहे हैं, सुविधाओं के अभाव वाला भारत, पीने के पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, अच्छे स्कूलों की समस्या, इलाज करवाने के लिए दूर दूर जाना पड़े, ये भारत नहीं, वो भारत जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो भारत बनाने की आवश्यकता। और वो तब बनेगा जब देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जब एक व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय के साथ इस देश की सेवा करना चाहता है वो आगे बढ़ेगा। हम तो बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते, आपने दूसरी पार्टियां भी देखी है, उनका काम करने का तरीका भी देखा है, हम बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप 15-20 साल पीछे चले जाओ और पिछले 10 साल को देख लो, आपको फर्क साफ समझ में आएगा। तो इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करता हूं कि आज ये देश का चुनाव है, जो अभी आदरणीय दूड़ाराम जी भी कह रहे थे, ये पार्टी विचारधारा उससे ऊपर उठ करके देश बनाने का चुनाव है, क्योंकि देश बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। कोई भी देश की तरक्की दुनिया में तब हुई है जब उसके पास सबसे ज्यादा युवा आबादी हो। आज से 250-300 साल पहले ये अवसर हमारे पास था। हम पूरी दुनिया में, जो हम GDP कहते हैं, जो पूरे दुनिया का पैसा है, मोटा मोटा अगर साधारण भाषा में बात करें, तो हमारे पास 25-30% पैसा पूरी दुनिया का भारतवर्ष के पास था, इसलिए सोने की चिड़िया कहते थे। फिर लुटेरे आए, लूट लूट के ले गए, कुछ बाद में अंग्रेजों के जाने के बाद लूटते रहे। तो आज समय है कि हम उस युवा शक्ति को सही दिशा दें, और सही दिशा करके ये देश बनाने का जो महायज्ञ है, ये आपके एक एक वोट से, एक एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच से, उसके योगदान से, उसके परिश्रम से, ये तब बनता है, ये वैसे ही नहीं बनता। और जब कई बार हम देखते हैं गाड़ी तेज चल रही हो हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, तो कभी आपने ड्राइवर बदलते देखा है 150-200 की स्पीड में चलती गाड़ी में? बदलेंगे तो देखो क्या हाल होगा। तो वैसे ही ये देश की गाड़ी तेजी से चल रही है, तो हमें तो जो ड्राइवर इस देश को बढ़िया से चलाने का काम कर रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने भारत का नाम रोशन किया है, तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि आने वाली 25 तारीख तक पूरी मजबूती के साथ अब सारे साथी मिलकर के, यहाँ पर जितने भी हैं माताएं बहने हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, कटाई वगैरह सब खत्म हो गया, सब मामला जेब भरी हुई है आप लोगों की, सबकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वैसे भी तगड़े तगड़े लोग हैं, तो थोड़ा रिश्तेदारियों में गाड़ी घुमा दो, भाईचारे में जाओ, उनको समझाओ और बोलिए कि भाई ये वोट जो है ये देश के नाम जाएगा, ये कमल के सामने हम बटन दबाएंगे, कमल के सामने बटन दबा करके 400 पार वाली सरकार में मजबूत हिस्सेदारी डालेंगे, मजबूत हिस्सेदारी डालेगी तो जो चीजें पहले मैंने बताया कि 45,000 करोड़ की हमारी कोशिश रही रोड और ये सारी चीजें बनाने की, अगली कोशिश होगी कि यहाँ पर बड़े उद्योग धंधे स्थापित करें, जो हमारे कृषि आधारित उद्योग धंधे होते हैं वो भी, और कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री यहाँ पर आए, ताकि लोगों को आर्थिक जो तरक्की है उस समृद्धि का भी फायदा हो सके, नौजवानों को रोजगार भी दे सके। यही कहने के लिए हम आपके बीच में आए थे। बाकी आशीर्वाद मोदी वाले वालों का हमेशा मिलता भी रहा है, इस बार और मजबूती से मिले। सरपंच साहब और सारे साथी मिलकर के
आप लोग और ज्यादा सरपंचों के भी आप उपप्रधान है या प्रधान है? उपप्रधान है तो थोड़े से सरपंचों को भी कह दो। अभी नायब सैनी जी आज सुबह भी मिले सरपंचों से, पहले भी मिले, फतेहाबाद आएंगे फिर मिलवा देंगे। पर उससे पहले मैं बता रहा हूँ, कई बार हम नीचे तक बात पहुंचा नहीं पाते हैं। उन्होंने आते ही ये कहा कि भाई सरपंचों की जो बातें हैं उसका हम बिल्कुल बढ़िया से समाधान करेंगे, जो प्रदेश के हित में होगा, जो गांव के हित में होगा, गलत ना करने देंगे ना होने देंगे, बाकी आप चिंता मत करिए। तो ये सबको बताओ और सारे सरपंचों को भी जोड़ करके तुरंत काम करवाइए, क्योंकि चार पांच घंटे उन्होंने मुख्य मुख्य जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से दो दो चार चार सरपंच बुलाए थे, उनके साथ वार्ता करी, समस्याओं के ऊपर पूरा सारे अधिकारी बैठे थे, और आने वाले समय में फिर गांव की तरक्की वो भी सुनिश्चित होगी। तो सारे साथियों से मैं यही आह्वान करूंगा, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, अगले 15 दिन हमें दीजिए, क्योंकि ये जो बटन आप 5 सेकंड के लिए दबाओगे, ये 5 साल बाद मौका मिलेगा आपको दबाने के लिए, लेकिन ये अगले 20, 30, 50, 100 साल की दिशा को तय करने वाला चुनाव है। तो इसलिए पूरी ताकत लगा करके आप अपने सपनों का भारत बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए, हमें दीजिए, अपने आप को और मजबूत करिए, यही सबसे प्रार्थना और कामना है। सब यहाँ पर पहुंचे देरी के लिए एक बार फिर माफी। आगे और भी कार्यक्रम होंगे, आगे दौरे बन रहे, प्रधानमंत्री जी और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों के भी दौरे बनेंगे। तो जैसे आपने नॉमिनेशन भरवाया पूरे गाजे बाजे के साथ, जैसे अभी ढोल ढमाके और जेसीबी से फूल बरसाए, वैसे ही मैं समझता हूँ कि पूरी ताकत से आप लोगों को आना। दुड़ाराम जी बस इशारा करने लग जाते हैं, लेट हो गए। मैं तो बोलता हूँ आप लंबा थोड़ा सा वो हो ही जाता है, इसीलिए देर भी हो जाती है जी। तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की।